भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी के रसिया से वापस लौटते ही अचानक रशिया और यूक्रेन के युद्ध से भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और इस खबर के बाद भारत और रूस के रिश्ते भी टूट सकते हैं। दरअसल रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ये पहला मौका देखने को मिला है जब भारत का गोला बारूद यूक्रेनी सेना के पास मिला है। अब आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन में पहली बार इंडियन आर्टिलरी एमिशन को देखा गया है जो भारत के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि एक तरफ तो भारत रशिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिल्ड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत यूक्रेन को सीक्रेटली अपने आर्टिलरी गोले सप्लाई कर रहा है जो 155 mm के हैं। और इस टाइप के गोले भारत की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाती है, लेकिन ये गोले पोलैंड की तोपों से दागे जा रहे हैं और भारत की कंपनी के द्वारा इस टाइप के गोले यूएई और आर्मेनिया को भी सप्लाई किए गए हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत और रशिया के रिलेशंस को खराब करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि भारत रशिया और यूक्रेन के युद्ध से कोसों दूर है।